हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जय टिच हेल्प में। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट के अंदर आप एक कैंडल्स 3D इसका इफेक्ट या एनिमेशन कैसे दे सकते हो। तो आपने देख ही लिया होगा अभी, जो इस प्रकार से मैं आपको एकदम स्टार्टिंग से जीरो लेवल से एनिमेशन करना बताऊंगा। तो ज्यादा देरी ना करते हैं, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, न्यू स्लाइड ओपन कर लेता हूँ कंट्रोल एन करके। ठीक है दोस्तों, अब आपको क्या करना है, स्टार्टिंग में आपको यहाँ से जो ये लेयर है इसको कट कर देता हूँ और यहाँ से इसको कंट्रोल ए करके ये सारे बैक कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, अब आपको क्या करना है, सबसे पहले हमको देना पड़ेगा बैकग्राउंड का कलर। तो डिजाइन में जाना है, डिजाइन में यहाँ पे बैकग्राउंड स्टाइल है। यहाँ पे आने के बाद आप जो चाहो वो कलर ले सकते हो, लेकिन मैं ब्लैक कलर ले रहा हूँ। ठीक है, अब क्या करेंगे, मैं जाऊंगा इंसर्ट में। इंसर्ट में आपको जाना है शेप के ऊपर, यहाँ से आपको उठाना है रिटेंगल। रिटेंगल को उठाने के बाद आपको क्या करना है, इसको यहाँ से नीचे से इतना बना लेना है इसे। ठीक है, बाद में आपको जाना है फॉर्मेट में। फॉर्मेट में जाने के बाद आपको यहाँ से लेना है शेप फील्ड में जाने के बाद में आपको यहाँ से लेना है व्हाइट कलर प्लस शेप आउटलाइन है वो आपको नो करनी है, इतना कर लेना। ठीक है, और इसको बीचों बीच रख लेना इसे और नीचे की साइड कर लेना। अब मैं इसके क्या करता हूँ, या तो आप कमांड दे सकते हो कंट्रोल सी और वी, या फिर आप दे सकते हो कंट्रोल डी। यानी कंट्रोल डी से क्या होगा, इसका डुप्लीकेट बन जाएगा। अब इसको ऊपर की साइड कर लो। और अब क्या करना है, इसका साइज हमको छोटा करना है। तो यहाँ पे आपको फॉर्मेट के अंदर साइज दिख रहा है, यहाँ से आप इसको छोटा कर सकते हो, वरना इसके आप चारों तरफ से पकड़ के भी इसको छोटा कर सकते हो। ठीक दोस्तों, ये इस प्रकार से बन जाएगा। अब इसको क्या करना है, वापस से मैं करूंगा कंट्रोल डी, इस प्रकार से बनेगा ये। अब क्या करेंगे, इसको भी छोटा करेंगे। ठीक है, इतना कर लेना। अब क्या करना है, ये वाला जो मैंने एक नंबर लिया है इसको मैं यहां से ऊपर की साइड से पकड़ूंगा और इसको यहां तक लेके आ जाऊंगा। ठीक है, थोड़ा नीचे की साइड और कर देता हूँ। इस प्रकार से आपको इसको बना लेना। बनाने के बाद अब क्या करना है, आपको वापस से जो ये नीचे वाला शेप है इसको कंट्रोल डी कर लेना और इसको वहीं पे वापस ऊपर ले जाना। अब इसको थोड़ा आपको छोटा करना है, इसका साइज एकदम छोटा करते हैं, ऐसे बना लेना। और इसका जितना हाफ आए उतनी आपको लाइन ले लेनी है, ये इतना। ठीक है, अब क्या करना है, इसके ऊपर एक और बनाना है। तो वापस से कंट्रोल डी करेंगे और इसको यहाँ पे लेके जाएंगे और इसका भी साइज छोटा करते हैं। ठीक है, इतना कर लेंगे। अब जो ये है इसका थोड़ा नीचे साइज लेते हैं, इतना आ गया। अब वापस से इसके ऊपर क्लिक करते हैं और इसको भी नीचे की साइड कर देते हैं, ऐसे बना लेते। ठीक है, ऐसा बनाने के अब आप क्या करना है, यहाँ से देखो रिटेंगल उठाना है। रिटेंगल इंसर्ट में जाना और शेप में क्लिक करके, सॉरी रिटेंगल नहीं, ओवेल उठाना है। ठीक है, ओवेल के ऊपर क्लिक करके आपको इसको इस प्रकार से बनाना है, ये इस प्रकार से बन जाएगा। तो ये बनाने हैं, तो अब इसके अंदर क्या करेंगे, हमको कलर भी देना है। तो वापस जाएंगे फॉर्मेट में। फॉर्मेट में आने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से शेप इफेक्ट में आ जाना है। ठीक है, शेप इफेक्ट में आने के बाद में आपको क्या करना है, पहले इसका जो ग्लो है वो चेंज कर सकते हो, या फिर 3D रोटेशन में आके 3D फॉर्मेट ऑप्शन यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। तो आपको इस प्रकार से एक डायग्राम ओपन हो जाएगा। तो अब क्या करना है, फील्ड में आना है, ग्रेडिएंट फील्ड में आना है। और यहाँ पे आने के बाद आपको क्या करना है, लाइनर में, सॉरी लाइनर नहीं, आपको यहाँ से प्रीसेट कलर है यहाँ पे क्लिक करके आपको फायर वाला जो कलर है वो कर लेना है और इसको यहाँ से बे कर देना है। ये करने के बाद इसकी आउटलाइन है वो हमको नो कर देनी है। अब वापस जाएंगे शेप इफेक्ट के अंदर, तो यहाँ से हमको ये ग्लो दिख रहा है, यहाँ से आपको लेना है ये वाला। ठीक है, इसके ऊपर क्लिक कर देना और क्लिक करने के बाद आपको वापस जाना है शेप आउटलाइन शेप इफेक्ट के अंदर, और बाद आपको जो ग्लो दिख रहा है इसके अंदर वापस आना है और मोर ग्लो कलर के ऊपर क्लिक करके आपको येलो कलर कर देना है। तो ये देखो इस प्रकार से कुछ बन जाएगा। ठीक है, अब इसको उठा के यहाँ पे रख देते हैं, थोड़ा ऊपर की साइड कर दो।
इस प्रकार से इसको रख दो। ठीक है, अब क्या करना है हमको, एक और ओवल उठाना है, तो मैं यहाँ से ओवल वापस उठाता हूँ और इसको क्या करना है, इस प्रकार से रख लेना है। अब फॉर्मेट में जाना है, वापस क्या करना है हमको, शेप इफेक्ट में जाना है, या फिर आपका शेप फील में आने के बाद ग्रेडिएंट फील दिख रहा है, यहाँ पे आने के बाद मोर ग्रेडिएंट फील है, इसके ऊपर क्लिक करके ये वाला पैराग्राफ वापस ऑन हो जाएगा। तो आपको ग्रेडिएंट फील में आने के बाद ये वाला जो है फील में प्रेसेट कलर में आपको वापस फायर वाला उठा लेना है, और यहाँ से जो ट्रांसपेरेंसी या ऑप्शन दिख रहा है इसके ऊपर आपको क्या करना है, इसको आगे पीछे करके देखना है, क्योंकि हमको थोड़ा लो कम और ज्यादा करनी है। तो यहाँ से मैं 50 के आसपास रख लेता हूँ, ठीक है, इतना रख लेते हैं और इसको क्लोज कर देते हैं। इसका भी नो आउटलाइन रखेंगे। अब क्या करेंगे, हम वापस जाएंगे शेप इफेक्ट के अंदर, और यहाँ पे आपको सॉफ्ट एडजस्ट नाम दिख रहा है, यहाँ पे आपको 50 पॉइंट कर देना है इसका, इस प्रकार से कर देना। ठीक है, ये करने के बाद आप इसको क्या कर सकते हो, थोड़ा बड़ा कर सकते हो, इसे बड़ा कर लेना। बाद में आपको आना है शेप फील के अंदर, और यहाँ से आने के बाद आप इसको क्या कर सकते हो, येलो कलर दे देना। येलो कलर देने के बाद में आपको क्या करना है, इसको ऐसे रखना है। अब इसको यहाँ से थोड़ा एडजस्ट करते हैं इस प्रकार से, ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। मैं इसको इतने कर रहा हूँ, और इसको अब आप कर देना सेंड टू बेक, तो इसके पीछे चला जाएगा इस प्रकार से। अब क्या करना है, अब यहाँ पे हमारा मेन टॉपिक होता है कि हमको क्या करना है, एनिमेशन देना है। तो एनिमेशन देने के लिए पहले इस एक नंबर के ऊपर क्लिक करेंगे, एक नंबर के ऊपर क्लिक करने के बाद हमको जाना है एनिमेशन के ऊपर, और कस्टम एनिमेशन के ऊपर क्लिक कर देना। तो आपको यहाँ पे दिखेगा एड इफेक्ट, इसके ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ पे इम्पिसेस नाम दिखेगा, यहाँ पे आने के बाद आपको ये वाला लेना, 4 नंबर ऑप्शन प्लेस है गुलाब, ठीक है, ये क्लिक करते हैं। अब आपको क्या करना है, 2 नंबर सेलेक्ट करना है, 2 नंबर यानी पीछे वाला ये जो येलो पॉइंट देख रहे हैं ये आपको लेना है, एनिमेशन वापस एड इफेक्ट एक्सपेंशन इसके ऊपर क्लिक करना है, बाद आपको प्ले से ब्लू लेना है, ये दोनों हमारे यहाँ पे बन जाएंगे। ठीक है, अब आपको क्या करना है, कंट्रोल दबा के इन दोनों को सिलेक्ट कर देना, यहाँ से ये दोनों यहाँ से सिलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे ऑन क्लिक है, यहाँ पे आप कर देना इसका विथ प्रीव्यू, ठीक है, ये हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पे फास्ट दिख रहा है, यहाँ पे आप कर देना मीडियम। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे ये ओवल 8 और 9 दिख रहा है, इनके ऊपर ऐसे क्लिक करके राइट क्लिक कर देना, यहाँ पे नाम आएगा टाइमिंग, टाइमिंग के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको क्या कर सकते हो, यहाँ पे मीडियम है तो मीडियम ही रखना, पान आपको रिपीट है यहाँ पे आप दे सकते हो अंटिल एंड ऑफ स्लाइड, ये करके आप ओके कर देना इसको। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ से हमारा जो आगे का प्रोसेस है वो फिर और बता देता हूँ। अब क्या करना है, इसको कंट्रोल ए करके सिलेक्ट कर लीजिएगा, तो अपनी ये ली है पूरी पूरी, इसको आप कंट्रोल ए करके भी सिलेक्ट कर सकते हो, या इस प्रकार से भी इसको सिलेक्ट कर सकते हो, जो नहीं हो रहा है उनको आप शिफ्ट दबा के भी सिलेक्ट कर सकते हो। अब क्या करना है हमको, इसका कंट्रोल डी करना है, इस प्रकार से इसका कंट्रोल डी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से नीचे स्क्रॉल करके देख लो कितना आपको गैप चाहिए कितना नहीं चाहिए, इतना हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, वापस से इसको एक को बैक करना है और एक इसको बैक करना है। अब आप जितना ये सिलेक्ट हो रखा है इसको सिलेक्ट रखना। अब क्या करना है, आपको आना है फॉर्मेट में, फॉर्मेट में आने के बाद आपको यहाँ से इसका आकार चेंज कर देना है। मैं इसका ये वाला जो कलर है ये कलर चेंज कर दिया मैंने, ठीक है। अब वापस से क्या करेंगे, वापस इसी को ऐसे सेलेक्ट करेंगे, ऊपर थोड़ा स्क्रॉल करता हूँ मैं यहाँ से, और यहाँ से इसको वापस से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, वापस ये सिलेक्ट नहीं हुआ तो शिफ्ट दबा के आप इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा और कंट्रोल डी दबा दीजिएगा, और फिर आपको इस साइड लेके आता है लेफ्ट के साइड। ठीक है, इसको थोड़ा ऊपर करता हूँ मैं, यहाँ से इसका देख लेते हैं कि ऊपर नीचे कैसा है ये। तो मैं वापस शिफ्ट के साथ इनको सेलेक्ट करके इन दोनों को साथ में नहीं लेते और सिर्फ इसका कलर चेंज कर देते हैं, जो कैंडल ले रखी है इसी का, यहाँ से मैं इसका कलर कर देता हूँ रेड कलर कर देता हूँ। ठीक है, तो इस प्रकार से बन जाएगा। ये बनने के बाद अब देखो क्या करेंगे, यहाँ से अब हम करेंगे इसको पूरा का पूरा कि कैसे देखना है। तो मैं शिफ्ट के साथ F5 प्रेस कर देता हूँ, अब हमको देखना है कि किस प्रकार से हमारी कैंडल ऑन हो रही है। तो ये देखो कैंडल किस तरीके से काम कर रही है, एनिमेशन किस तरीके से लगाया हमने और कैसे बनी है पावर पॉइंट एनिमेशन के अंदर। दोस्त अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज छोटा या बड़ा भाई समझ के चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करना, लाइक करना और सभी दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करना। अगर हमारी चैनल पर नए हो तो प्लीज दोस्त सब्सक्राइब करना और सपोर्ट करना। अगर ऐसी ही वीडियो जाननी है
और पावर पॉइंट के एनिमेशन और भी देखने हैं तो आपको हमारे चैनल के अंदर मिल जाएंगे, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। और जाते टाइम कमेंट भी करके जाना। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं एक जल्द ही नई शुरुआत के साथ। जय हिंद, जय भारत।